हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में। हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे हेयर ऑयल हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, क्योंकि रोज़मेरी हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको अकेले ही ये फिक्स कर सकता है एंड फिक्स करता है। ये स्पेशली हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्लस हमारी जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है उसको भी ये फिक्स करता है। तो जिन लोगों को एसेंशियल ऑयल के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूं कि नॉर्मल ऑयल के कंपैरिजन में एसेंशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है एंड हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसलिए इसको थोड़े अमाउंट में यूज़ करने से ये बहुत अच्छे से वर्क करता है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो रोज़मेरी एक कंप्लीट ऑयल है जो कि आई थिंक हम सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प एंड हेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल को कंट्रोल करना है, हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है या डैंड्रफ को ख़त्म करना है, तो इन सारी ही कंडीशन में आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। सो वन बाई वन मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ कि ये किस तरह से हमारे बालों को बेनिफिट देता है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट्स है कि ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से ये होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच पाता है। जो हेयर फॉलिकल्स डोमेंट हो गए हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, तो अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं एंड हेयर ग्रोथ भी वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव कर देता है, जिससे कि हमारे वापस से जो हेयर ग्रोथ रुकी हुई है तो रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। रोज़मेरी ऑयल में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हाई होती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, स्कैल्प में ईचिंग होती है, तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है। कई बार लोगों को डैंड्रफ की वजह से भी बाल बहुत जल्दी से झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो अगर आपको इस वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स हो जाएगी। रोज़मेरी ऑयल काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्कैल्प को नरिश करता है, स्ट्रेंथ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पतले बाल होने की वजह से उनके बाल रूट से टूट जाते हैं, तो इसके रिलीजियस यूज़ से आपकी थिन हेयर थिक होती है एंड अल्टीमेटली जो थिन हेयर की वजह से, पतले बाल होने की वजह से जो आपकी हेयर फॉल हो रही थी वो भी फिक्स हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम द हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ, रोज़मेरी का तेल आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना होगा। एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स तक आपको इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना होगा, तभी जाके आपको इसका जो रिजल्ट है वो दिखने को मिलेगा। सो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का, जिसको कॉन्स्टेंटली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो अपने बहुत सारे DIY रेमेडीज़ में, हेयर ऑयलिंग में मैंने रोज़मेरी ऑयल को यूज़ किया है, तो इसका सबसे परफेक्ट मेथड मुझे लगता है कि आप इसको अपने हेयर ऑयलिंग में मिक्स कीजिए। 4 से 5 ड्रॉप्स अपने हेयर ऑयलिंग में मिक्स कीजिए अच्छे से एंड ऑयल को आप थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। उसके बाद अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। ओवरनाइट रखने से आपके स्कैल्प में अच्छे से ये पेनिट्रेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इसका दूसरा मेथड है, जब भी आप अपने बालों पे हेयर पैक, हेयर मास्क या फिर कोई भी DIY रेमेडीज़ लगाते हैं, तो उस पैक में भी आप एसेंशियल ऑयल के कुछ बूंदे डाल के अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये दो मेथड मुझे सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है, क्योंकि इस टाइम पे ऑयल को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि आपके स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप पहली बार एसेंशियल ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि कभी भी आप अपने स्किन पे, अपने स्कैल्प में डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आप इसको डायरेक्टली अपने स्किन पे, अपने स्कैल्प में अप्लाई करते हैं, तो ये आपके स्किन को बर्न कर सकता है, रेड कर सकता है, आपकी स्किन में ईचिंग हो सकती है, इरीटेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है। अगर आप इतनी पोटेंट चीज़ को अपने स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो इससे आपके स्किन में कुछ भी साइड इफ़ेक्ट दिख सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आप एसेंशियल ऑयल को किसी भी अदर चीज़ में डाइल्यूट करके यूज़ कीजिए, तभी इसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और ये अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। सो अगर आप उन लोगों में से है जो होम रेमेडीज़ ट्राई करना पसंद करते हैं, जो होम रेमेडीज़ यूज़ करना पसंद करते हैं, अपने खुद का हेयर ऑयल या हेयर प्रोडक्ट्स को बना के यूज़ करते हैं, तो आपको डेफिनेटली एसेंशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए उन सारे रेमेडीज़ में, जिससे कि एसेंशियल ऑयल यूज़ करने से उनकी जो पोटेंसी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और भी जल्दी और उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है।
ठीक है। सो ये था मेरा आज का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के ऊपर कंप्लीट वीडियो, कि ये बालों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, इसको हम अपने हेयर के रिजीम में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बालों को हेल्दी वे में ग्रो करना, तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को आज से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनीवे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमें हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को बहुत तरीके से बेनिफिट देता है, एंड अल्टीमेटली ये हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड जो भी हमारे स्कैल्प की, हमारे बालों की प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाती है। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर कोई फेस कर रहा है, ताकि उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। एंड अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल पाए। सो यार, मैं जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।